हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं दिखा रही हूँ आपको खूबसूरत लीव्स वाला डेफिनबेकिया। गाइस, जिन भी भाई बहनों को अपने घर में खूबसूरती वाले प्लांट्स यानी कि शो प्लांट्स लगाने हैं और कम मेंटेनेंस वाले प्लांट्स लगाने हैं, तो वो जल्दी से डेफिनबेकिया को ले आएँ। गाइस, एक तो ये कम मेंटेनेंस में चलते हैं, छोटे से छोटे प्लांटर में आप इसको लगा सकते हैं। आप, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, छोटा सा प्लांटर है जो मुझे नर्सरी से मिला था और मैंने इसमें कटिंग करके लगाया था ये प्लांट्स। तो ये 6 मंथ्स का रिज़ल्ट है। मैं 6 मंथ्स पहले इसको कटिंग से लगा दिया था यानी कि मार्च में, और आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है, कितना घना घना आया है। इसकी ब्रांचेस देखिए, एक ये ब्रांच अलग है, एक ये अलग है, ये अलग है और वो उधर अलग है। इसमें एक में मैंने 4 ब्रांचेस लगा दी थी, ग्रो कर दी थी, काफ़ी खूबसूरत निकल के आया गाइस। थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट दूंगी, क्योंकि इसमें 4 ब्रांचेस है तो रूट ज़्यादा डेवलप होंगी। प्लांट्स ज़्यादा हैं तो रूट भी ज़्यादा डेवलप होगी। अगर सिंगल ब्रांच इसकी होती तो ये कम से कम 2 साल इसी पॉट में चल जाता। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये भी मैंने मस्टर्ड ऑयल का डब्बा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत निकल के आई है। किस तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हुई है मैं वो दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए, ये सिंगल ब्रांच है, ये एक ब्रांच में 2 कटिंग है और वैसा ही कुछ इधर भी है। इधर सिंगल ब्रांच में सिंगल ही कटिंग है, यानी कि इस पॉट में भी तकरीबन 4 हैं और 5वीं ये नीचे से ग्रो कर रही है, कर रही है ना, आपको दिख रही हो तो। तो इस वाले पॉट में भी 4 हैं ब्रांच जो के ग्रो कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ये डेफिनबेकिया खूबसूरत लग रहा है। ये लग रहा है ना काफ़ी खूबसूरत। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है गाइस, और जब इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा सा ये ऊपर से घना और नीचे से सिर्फ इसकी ब्रांच नज़र आए लैगी टाइप का, तब आप इसकी कटिंग करें। कटिंग थोड़ा नीचे से करें क्योंकि नीचे से ब्रांचेज आएंगी, और ऊपर वाली कटिंग की आप 1-1 इंचेस की ले लें कटिंग, और इस तरीके के पॉट में जैसे मैंने जुगाड़ करके बना रखे हैं ये और मैंने लगा दी थी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए गाइस, ये बहुत अच्छी निकल के आती हैं और हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मैंने गाइस इसको कम से कम 5 जगह अपने गार्डन में लगा रखा है और एक एक पॉट में कम से कम 5-6-4 ब्रांचेस लगा रखी हैं, जो कि पॉट काफ़ी ज़्यादा घना घना निकल के आएगा। आप चाहें तो जब ज़्यादा घना हो जाए तो इसकी ब्रांच निकाल करके पॉट अपने बढ़ा सकते हैं, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर गाइस ये सिर्फ एक ब्रांच का पौधा माली भैया जो देते हैं ना, उसी कंडीशन भी बहुत छोटी होती है, वही दे देते हैं 50 का, 100 का, 75 का ऐसे देते हैं। बट मैंने एक प्लांट से कम भी बताऊं तो 20 प्लांट बना लिए हैं, पर प्लांटर मेरे पास 5 ही हैं और 20 तो कम ही बताए मैंने, बहुत ज़्यादा बना लिए हैं। तो ये डेफिनबेकिया जो प्लांट्स है ये मल्टीप्लाई हो जाता है कटिंग से। आप इसको लेके आए अपने यहाँ और खूबसूरती बढ़ाने के काम आता है, ग्रीनरी बढ़ाने के काम आता है, बहुत खूबसूरत प्लांट है गाइस। तो जिनको भी मेरी डिटेल अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी डिटेल के साथ में। तब तक इन्जॉय दिस वीडियो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।